जिम्बाब्वे के खिलाफ ग्रुप टॉप करने के लिए टीम इंडिया मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में उतर चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20 वर्ल्ड कप का एक बेहद ही शानदार मुकाबला कितनी बजे शुरू होगा और इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने कौन कौन से खिलाड़ियों को मौका दिया है। साथ ही इस मुकाबले की तमाम लाइव अपडेट भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों बने रहें वीडियो के पूरे आखिर तक और साथ ही आप भी चाहते कि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर ग्रुप को टॉप करे तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय टीम का लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला जिम्बाब्वे के साथ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाना है। यह मुकाबला ऐतिहासिक मुकाबला है क्योंकि भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने के साथ ही पॉइंट टेबल में ग्रुप को टॉप कर जाएगी और भारतीय टीम का सेमीफाइनल का रास्ता तय हो जाएगा। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया के सामने जिम्बाब्वे की टीम है जो कि इस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हरा चुकी है। हालांकि जिम्बाब्वे को हराने के अलावा ये टीम बांग्लादेश और नीदरलैंड जैसी टीमों से मुकाबले जरूर हारी हैं लेकिन पाकिस्तान को हराकर इसने सबको चौंकाया था। ऐसे में एक बार फिर टीम इंडिया के सामने भी ये चुनौती पेश कर सकते हैं क्योंकि इस टीम के कई ऐसे शानदार बल्लेबाज व गेंदबाज हैं जो भारतीय टीम के सामने भी शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बल्लेबाजी में हम बात करें जिम्बाब्वे की टीम की तो इस टीम की तरफ से अब तक काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है सिकंदर रजा, कैप्टन एरविन और साथ ही साथ सीन विलियम्स ने। ये वो खिलाड़ी जिस टीम के लिए लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें इस टीम की गेंदबाजी में तो गेंदबाजी में इस टीम के लिए मुजुर बानी ने काफ़ी शानदार गेंदबाजी की है। इसके अलावा चत्तारा और नगारवा ने भी बेहतरीन गेंदबाजी करके दिखाई है। वैसे देखा जाए तो इतनी भी कमजोर टीम नहीं है जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे की प्लेइंग 11 की बात करें तो टीम इंडिया के खिलाफ इस टीम की तरफ से मदेवरे और क्रेग इरविन पारी की शुरुआत करेंगे। इसके बाद नंबर 3 पर चकाबा उतरेंगे तो नंबर 4 पर सीन विलियम्स उतरेंगे, नंबर 5 पर सिकंदर राजा तो नंबर 6 पर मिल्टन सुम्बा उतरने वाले हैं। वहीं पर दोस्तों इस टीम की तरफ से नंबर 7 पर रायन बुल उतरेंगे तो नंबर 8 पर जोंग वे उतरने वाले हैं। नंबर 9 पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे नगारवा तो नंबर 10 पर चत्तारा उतरेंगे जबकि नंबर 11 पर मुजरबानी उतरने वाले हैं। यानी कि बेहतरीन टीम नज़र आ रही है जिम्बाब्वे की जो टीम इंडिया के सामने अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। वहीं पर अब हम दूसरी तरफ बात कर लेते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 और प्लेयरों की। तो दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से हम बात करें रोहित शर्मा की फॉर्म अभी भी भारतीय टीम के साथ नहीं है क्योंकि उन्होंने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया लेकिन पिछले मुकाबले में जिस तरह का परफॉर्मेंस केएल राहुल ने किया यहां पर भारतीय टीम के लिए लग रहा है कि वो अपनी अच्छी फॉर्म हासिल कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि अब तक वो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक अपनी इस बेहतरीन फॉर्म को बरकरार रखेंगे। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली से तो टीम को बड़े अच्छे रनों की उम्मीद है ही। इसके अलावा भारतीय टीम की गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में फिलहाल टीम इंडिया के लिए कमाल का परफॉर्मेंस हो रहा है। भारतीय टीम के सभी गेंदबाजों ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। ऐसे में यहाँ पर इस मुकाबले में भी एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद है भारतीय टीम के गेंदबाजों से भी। खास करके यहाँ पर टीम इंडिया के लिए कमाल की गेंदबाजी अर्शदीप सिंह ने की है तो साथ ही साथ मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार भी काफ़ी किफायती रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर भारतीय टीम थोड़ी मजबूत नजर आ रही है गेंदबाजी के पक्ष में भी जबकि रविचंद्रन अश्विन अभी भी विकेट लेने में उतने कामयाब नहीं हो पा रहे हैं लेकिन उम्मीद करते कि इस मुकाबले में वो अपनी गेंद से कमाल करते हुए नजर आएंगे। वहीं पर अब हम बात करें टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की इस मुकाबले के लिए तो भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करेंगे केएल राहुल और रोहित शर्मा, दो तूफानी बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करेंगे लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस जारी रखेंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नंबर 3 की तो यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे विराट कोहली। कोहली की फॉर्म भी दमदार है तो यहाँ पर इनसे तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी ही। वहीं पर नंबर 4 बल्लेबाज की हम बात करें तो यहाँ पर इनफोर बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव उतरेंगे। सूर्या ने तो अब तक कमाल का परफॉर्मेंस किया है तो उनसे भी बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। यानी कि सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर के चारों बल्लेबाजों के पास रन बनाने का बेहतरीन मौका है जिम्बाब्वे के सामने। इसके बाद नंबर 5 की हम बात करें तो यहाँ पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे हार्दिक पांड्या तो नंबर 6 पर दिनेश कार्तिक उतरेंगे जो कि इस टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। तो वहीं पर नंबर 7 पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे अक्षर पटेल तो नंबर 8 पर रविचंद्रन अश्विन, नंबर 9 पर भुवनेश्वर कुमार तो नंबर 10 पर मोहम्मद शमी और नंबर 11 पर अर्शदीप सिंह खेलते हुए नजर आएंगे। यानी कि दोस्तों भारतीय टीम की बात करें तो प्लेइंग 11 काफ़ी शानदार है लेकिन टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल से पहले ये एक महत्वपूर्ण मुकाबला है जहाँ पर कई खिलाड़ियों के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करने की उम्मीद है। वहीं पर दोस्तों ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर के 1:30 पर शुरू होगा जिसे आप स्टार स्पोर्ट और हॉटस्टार पर लाइव देख सकेंगे। तो दोस्तों क्या लगता है इस मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी, आप हमें अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।